हेलो आर्ट लवर्स, वेलकम वंस अगेन टू स्वाति आर्ट एंड सोल। लास्ट वीडियो में हमने राधा कृष्ण जी को ड्रॉ कर लिया था। इस पार्ट में हम वाटर कलर की हेल्प से इन्हें कलर करेंगे। फर्स्ट हम थोड़ा सा इसे इरेज करके लाइट कर लेंगे और उसके बाद मास्किंग टेप की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेंगे सारी एजेस। मास्किंग टेप कैसे यूज़ में लेनी चाहिए उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाटर कलर के लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ में लेती हूँ। अगर आपके पास मॉप ब्रश है तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हैं। फर्स्ट हम बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले हम जो भी बैकग्राउंड है उसे थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से गीला कर लेंगे और फिर बाद में आप इसे स्प्रे या फिर टिप की हेल्प से इसे थोड़ा सा स्प्रेड करके इसे डिफरेंट कलर यूज़ में लेके कलरफुल बैकग्राउंड हम बना लेंगे। जो भी कलर आपको अच्छे लगते हैं वो कलर की हेल्प से आप बैकग्राउंड रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम स्लोली जो भी बैकग्राउंड है उसे कंप्लीट कर लेंगे। बैकग्राउंड कंप्लीट करने के बाद में पहले हम कृष्ण जी में कलर करेंगे। प्रूशियन ब्लू कलर में यूज़ में ले रही हूँ। फर्स्ट लेयर हम करेंगे, पहले जहाँ जहाँ हमें प्रूशियन ब्लू कलर यूज़ में लेना उसे ब्रश की हेल्प से गीला करके और फिर इसे स्लोली हम कलर यूज़ में लेंगे। सेम ऐसे ही राधा रानी में कलर करने के लिए मैं स्किन कलर यूज़ में लूँगी। फर्स्ट हमने जैसे ही फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली उसके बाद जहाँ जहाँ हमें डार्क करना है वहाँ हम डार्क कलर यूज़ में लेंगे और उसे थोड़ा पानी की हेल्प से उसे हम स्प्रेड करते जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको डार्क लगे आप वहाँ वैसे ही उसे कलर कर सकते हैं। जब भी हम कलर करते हैं तो उसमें चीक्स फॉरहेड पर लाइट होता है तो उसके कारण वहाँ पर हम थोड़ा सा ही लाइट कलर करते हैं। बाकी जो चिन नेक वहाँ पर हम थोड़ा डार्कर कलर यूज़ में लेते हैं। सेम ऐसे ही हम राधा रानी जी को भी कंप्लीट कर लेंगे स्किन कलर की हेल्प से। जैसे जैसे कलर ड्राई होता जाएगा उसके बाद हम आउटलाइन भी करते जाएंगे ताकि हमारा जो स्केच है वो ख़राब ना हो। इसके बाद ज्वेलरी के लिए येलो कलर यूज़ में लेंगे और साथ ही जहाँ दुपट्टा की एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पर भी हम येलो कलर लेंगे। कृष्ण जी और राधा जी में जहाँ जहाँ येलो कलर होगा वहाँ हम पहले येलो कलर से इसे कंप्लीट कर लेंगे। येलो कलर के बाद में जब हमें हाईलाइट देने होते हैं वहाँ हम येलो ओकर कलर या फिर आप लाइट ब्राउन की हेल्प से पतला ब्रश लेके उसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
उसके बाद रेफरेंस पिक की हेल्प से जो कृष्ण जी के कपड़े हैं उसमें येलो और कलर यूज़ में लेके और उसमें मैं फिर ब्राउन कलर से उसे हाईलाइट दूंगी। और कृष्ण जी के दुपट्टे में पर्पल वॉलेट कलर यूज़ में लूँगी। मैं जब भी हेयर कलर करती हूँ तो हमेशा पहले ब्राउन कलर से फर्स्ट लेयर देके उसके बाद मैं ब्लैक कलर यूज़ में लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक ना दे। बेस लेयर कंप्लीट होने के बाद हम स्लोली स्लोली आईज़ और आईब्रोज वगैरह ड्रॉ करेंगे और आप टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे लाइट कर सकते हैं। अगर आपसे थोड़ा बहुत भी डार्क कलर हो जाए तो आप उसे टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे थोड़ा सा उसे वाइप कर सकते हैं। अब मैं स्लोली स्लोली जहाँ पर भी हाईलाइट देने हैं वहाँ मैं हाईलाइट दे रही हूँ। जहाँ थोड़ा डार्क कलर है वहाँ हम सेकंड लेयर के थ्रू डार्क कलर से उसे हाईलाइट करते जाएंगे और साथ के साथ ही आप आउटलाइन भी करते जाइए ताकि जो कलर है वो मिक्सअप ना हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम फ्री है और इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लाने के लिए।
तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब रिमेनिंग पार्ट में सेकंड पार्ट में हम जो भी हाईलाइट और हमें आईज़ और इन्हें शेप देना है वो हम पार्ट कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।